Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research Academy. This side, guys, मैं लेके आया हूँ आपके पास कल की बात, आज एपिसोड नंबर 52 यानी किंग रिसर्च ईगल आई व्यू. इस एपिसोड में हम लोग आपको एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं. चलिए हम बात कर लेते हैं पहले रिकैप की, यानी कि कल हमने जो लेवल्स दिए थे और आज किस तरह से मार्केट में परफॉर्म किया उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे. सो गाइज, आप देखिएगा यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स, मैंने आपको ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हुए थे. एनी डिक्लाइन और पैनिक, सिर्फ बाई करने का बोला था. 10,170 दिस इज़ वेरी पावरफुल लेवल, आपको क्लियर कट मेंशन किया था और आप खुद जान सकते हैं क्या रहा उसका रिजल्ट. बैंक निफ्टी भी आपको बोला था नॉट क्रॉस 21,370, वंस क्रॉस अगर 370 का लेवल टूटेगा तो ही बाई करने का सोचेंगे, अदरवाइज नहीं करने का सोचेंगे. क्लियर कट मेंशन किया था. रिजल्ट आप खुद परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा, 370 के ऊपर गया या नहीं गया बॉस, वहीं से आप देखना, चेक करना, वहीं से नॉन स्टॉप वापिस आया. HUL की बात करूंगा, HUL नॉट एक्टिवेटेड, आप खुद चेक करेगा. HUL का जो चार्ट है सीधे गैप अप अच्छा खासा खुला था, ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला 2107 एक्ट एज ए हर्डल रेट का, 2107 के ऊपर खुला तो सही है, लेकिन क्या सस्टेन कर पाया पहला 5 मिनट का, वो नहीं किया. आप दिमाग लगाइएगा, इसके कुछ रूल्स हैं इस ट्रेड के, वो प्लीज देखिएगा. एक्सिस बैंक की बात करूंगा, यस लक्ष्मण रेखा जोन 427-431 ऑन राइज नियर अवर लक्ष्मण रेखा, गो शॉर्ट बोला था एक्सिस बैंक लास्ट में, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे के बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है. नो डाउट 427-431 दोनों लेवल हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि बॉस 2 रुपये का हमारा ऑलमोस्ट SL गया है, चीज़ होनी चाहिए क्लियर, राइट. फेडरल बैंक नॉन स्टॉप क्लियर कट बोला था ओपनिंग बेल पे बाई करने का, ये देखो 50.95 पे क्लोज हुआ था, 48 के ऊपर क्लियर कट बोला था, तेजी है भाई, नो वरी एट ऑल. और आज टॉप परफॉर्मर था फेडरल बैंक, टॉप परफॉर्मर काउंटर्स के अंदर था, आप खुद देख सकते हैं कहां से कहां तक 52 से 56 तक चला, परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट करिए. ऑरोबिंदो 10 रुपये हमारे ऑरोबिंदो में हमने सेल बोला था, ये रहा रिजल्ट क्लियर कट, 783 के नीचे आपको सेल बोला था, उसका भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए स्लाइड अप टू राइट. HUL नॉट एक्टिवेटेड. अब मैं बात करूंगा कल की स्टॉक्स की, कल किन स्टॉक्स पे किन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे. तो निफ्टी की बात करता हूं, ये फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, 10,305 यस अबव 270 नो वरी एट ऑल, अगेन बोल रहा हूं नो वरी एट ऑल, 270 के ऊपर सिर्फ बाइंग करने का सोचेंगे. यस, अगर इसको नॉन स्टॉप रैली देखनी है 10,670 ध्यान से नोट करना, वेरी 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 पावरफुल लेवल, 10,670 10,700 का लेवल, 430 के ऊपर 10,430 के ऊपर गया तो ये लेवल आपको 200-250 पॉइंट का जो भी दे रहा हूँ आराम से देखने को मिल सकता है. और नीचे का जो लोअर साइड सपोर्ट होगा 10,247 10,170 देन थिंक फॉर सेल ओनली, अदरवाइज ओनली गो फॉर बाई. बैंक निफ्टी की बात करूंगा, लास्ट क्लोज 21,744 अबव 21,370 वी आर लॉन्ग, कल भी बोला है ध्यान से समझना, मेरे लेवल्स बार बार चेंज नहीं होगा. एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली बाय विद स्टॉप लॉस 2870 यस अबव 21,670 नो वरी एट ऑल, इट विल जूम टू केस 1,000 पॉइंट का कम से कम लेवल लेंगे, 22,700 22,723 का लेवल लेंगे. अब मैं कुछ स्टॉक सिलेक्शन की बात करूंगा, पहला पावरफुल स्टॉक बॉस, आप आज को मैंने आपको आपने मेरा परफॉर्मेंस देखा होगा, मैंने रात के 2 बजे के आसपास अपना होमवर्क कंप्लीट किया था और आपको बोला था कि बॉस मैं आया हूँ अगले दिन कुछ पावरफुल परफॉर्मेंस लेके, कुछ पावरफुल होमवर्क करके. आइए आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, और ये पावरफुल परफॉर्मेंस कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, एक हफ्ते में आपको बैक टू बैक दूंगा, और ये परफॉर्मेंस मैं शिफ्ट कर दूंगा हमारा गोल्ड मेंबरशिप में. जो लोग हमारा गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करे हैं, ये परफॉर्मेंस एक हफ्ता आप लोगों को दिखाने के बाद, जिससे आपको समझ में आए कि गोल्ड मेंबरशिप आपको लेना चाहिए ना लेना चाहिए, उसके बाद मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा भाई, ठीक है. चलिए एक सेकेंड गाइस, ये देखो 145 रात को 1:45 पे मैंने बोला था माय होमवर्क डन, टुमारो विल शो यू द पावर ऑफ इंट्राडे कॉल्स, बी रेडी फॉर 5 to 8 कॉल्स.
हमारा काम बोलता है नो ब्ला ब्ला जय हो आवर मोटो लर्न एंड धर्न। और उसके बाद सुप्रभात का आपको हरे कृष्णा का एक मैसेज गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और बॉट अशोक लैंड बोला सबसे पहला 5490 पे बोला, 1 रुपीज की अशोक लैंड में मूवमेंट आई है। बट अशोक लेलैंड अपने पोर्टफोलियो में सजा लेना बॉस, एफडी स्टॉक है, फिर बोल रहा हूँ जल्दी ही ये लेवल 80 का और उसके बाद जल्दी ही ये लेवल 150 का लेवल भी आ जाएगा। बाद में नहीं बोलना सर ने बताया नहीं, बाय एंड सेट रिलैक्स। ये तो 80 का जो लेवल बोला था 75-80 का लेवल जो आएगा एक वीक में आ सकता है, और अगर पोजिशन जा रहे हैं तो बाय एंड सेट रिलैक्स अशोक लेलैंड में। और हाँ, 10,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप किसी भी FD स्टॉक्स में नहीं करेंगे, ये मेरा थंब रूल है, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड करते हैं, एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास 1,00,000 का मनी है तो बॉस 10 स्टॉक्स में लगा लेना, बाकी आपको मेरा खुद का पोर्टफोलियो पता है, ROI पता है, उसी गेम की बात कर रहा हूँ। लेट्स सी, अब बजाज ऑटो दिया, देखो सबसे पहला कॉल 9:22 में, टाइमिंग जरूर चेक करना क्या टाइम पे वो रेट चल रहा था, 2420 पे बोला, हाई कितना लगा बॉस कोई बताएगा, हाई कितना लगा 2420 का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज बॉस। 120-130 पॉइंट्स अप गया हमारे बाइंग देने पर। LIC हाउसिंग सेल बोला 274 पे, PNB 3520 पे सेल बोला, SL 36 का दिया था, इसका 279 का दिया था, LIC का, बजाज ऑटो का 2710 का दिया था। भाई साहब चेक करो क्या 20 पे एंट्री, 27 टिल नाउ ये मेड हाई, उसके बाद ये हमारा, उसके बाद मैंने और कौन सा स्टॉक्स दिया था, IRB दिया था 78 पे, भाई आपको पता है 83-84 के आसपास तक आ ही गया है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा परफॉर्मेंस भी। एनीवे गाइस, ये ORB स्ट्रेटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वो ORB का परफॉर्मेंस हमने एडवांस में आपको 953 पे डाल दिया था कि ये स्टॉक्स में हमारा जो CPR वाला नैरो रेंज वाला कॉन्सेप्ट है इन स्टॉक्स के अंदर आज है, इन्हीं पे नज़र रखना, काफ़ी लोगों ने हमें पैसा कमाया और हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोना टॉक अबाउट ग्लेनमार्क दिया था 9 रुपीज पे, वो हमारा क्लियर कट बॉस स्टॉप लॉस लगाया, जो भी 4-5-6-7-8 जो भी 4-5 रुपये का SL हमारा इसमें लगा है। ग्लेनमार्क आपको दिया था 505 पे सेल करने का बोला था, टॉप परफॉर्मर था भाई, सीधी बात है, हम लोग सोच के देखो पूरी दुनिया बाई करने का सोच रहा था और हम अकेले ऐसे बंदे होंगे मार्केट में जिसने हमने इसको सेल कराया था। और यस नो डाउट 550-555 तक कभी लेवल गया था, मुझे पता है छोटे ट्रेडर काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बार बार बोलते हैं मेरे ट्रेड थोड़े से रिस्की होंगे, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट लगाना जरूरी है। 1,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क किसी भी ट्रेड में आप मत लो गाइस, बिल्कुल नहीं लेना 1,000 रुपये का ट्रेड। मेरे साथ 1 महीना काम करो, आई विल गिव यू द कमिटमेंट, अच्छे खासे नेट प्रॉफिट में रहोगे। जरूरी नहीं कि एक ट्रेड में सारा पैसा बनाए, जरूरी ये है लॉन्ग टर्म रेस के घोड़ा बनाया जाए, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कुछ लेवल्स 11-15 के बाद हनीमून विल बी ओवर, 245 तक आप देखिएगा इसको, और हमने जाके लास्ट में देखा, मैंने तो पर्सनली ऊपर के 450 के आसपास के भी लेवल पे सेल किया था गाइस, 410 का 409 समथिंग का लो बनाया और उस टाइम हमने क्लियर कट बोल दिया यहाँ पे एग्जिट कर लो, क्योंकि 500 पे एंड 520 पे हमने बोला था सेल करने का, ऊपर के दो सर्किट लगे आपने देखा होगा मार्केट में, 450 के आसपास भी आपने नहीं किया, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे बोलता तो आपका बड़ा ऐसा लगा था, इसलिए मैं नहीं बोला बैंग ऑन और क्लियर कट मेंशन किया है पोजिशनल ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले देख लिया करो कि ये इंट्राडे है या पोजिशनल है, राइट। तो यहाँ पे मैंने दिया ऑलमोस्ट मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, लेकिन मैंने 550 के लेवल 550 के लेवल पे भी सेल किया हुआ था, तो उसमें मेरे को तो अच्छा प्रॉफिट आ गया, बट मेरे को प्रॉफिट आया मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, आपके अकाउंट में पैसा बनना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। ICICI प्रोडेंशियल दिया था बॉस, ओके। और मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे, लंबा हो जाएगा वीडियो। बजाज ऑटो 2720 से लेके 2853 का हाई, लॉट साहब आप कैलकुलेट करिए 33,000 का नेट प्रॉफिट है। अशोक लेलैंड में आपको 6,000 का प्रॉफिट है, और LIC हाउसिंग में आप देखिए 10,000 का प्रॉफिट है, PNB में -6,640 एक्टिव होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हो गया जो हमने दिया था। IRB हमारा 78-82 तक का हाई गया है, बाइट लॉट साइज में नहीं था तो इसमें कैश में आपको ट्रेड करना था। सिप्ला आप देखिए
663655 तक का लो गया है, आप इसमें भी कैलकुलेट कर लीजिए, 9000 समथिंग का इसमें प्रॉफिट आया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 4-5000 का प्रॉफिट इसमें आया है। 5000 का जो पुट हमने काम कराया था ग्लेनमार्क में उसमें लॉस हुआ है बॉस, और ग्लेनमार्क का जो हमने एक कॉल दिया था फ्यूचर्स का उसमें कॉस्ट कॉस्ट हमने एग्जिट किया है प्रॉपर जो फॉलो करेगा। ये हमारा आज का परफॉर्मेंस था, और मैं अब आपको ले चलता हूँ ये हमारा परफॉर्मेंस था इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बजाज ऑटो पहला स्टॉक सिलेक्शन जो मैंने आपको दिखाया अभी परफॉर्मेंस आज क्या दिया था, कल मैं फिर दूंगा, थोड़ा सा स्पीड बना के रखिएगा, थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा और फिर कल भी बताइएगा क्या रहा परफॉर्मेंस। अगेन बोलूंगा सर काम बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस हिट हो टारगेट फिट हो, प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम पे ट्रेड आएगा मैं करूंगा, नहीं आएगा नहीं करूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो बजाज ऑटो 2863 अवर लक्ष्मण रेखा 2890 2917, यस ऑन राइज ओनली सेल, पैनिक स्लाइड अप टू 2817 2780। मैकडॉनल्ड्स याद है ना, मैकडॉनल्ड्स इस महीने के स्टार्टिंग में मैं चीख चीख के चिल्ला रहा था मैकडॉनल्ड्स बाई करके जाओ बाई करके जाओ बाई करके जाओ, 610 के लेवल से नीचे के लेवल पे बोल रहा था बाई करके जाओ, और आज देखो वहाँ से 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट है। अभी तो पिक्चर मेरे बाकी है दोस्त, हो सकता है ये 670 का लेवल भी आ सकता है, बट बी केयरफुल, ध्यान से समझना, यस अबव 663 नो वरी एट ऑल, बुल राइड यस ग्रैप एट ओपनिंग बेल, क्योंकि बुल राइडर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं। 626 621 का नीचे का SL रहेगा एंड गो लॉन्ग 661 और 673, जैसा कि मैंने बताया 674 तक का लेवल मुझे इसमें मैकडॉनल्ड्स में दिख रहा है। IOC 88 पे क्लोज, लक्ष्मण रेखा 91 93, आप समझ गए होंगे क्या करना है, गो शॉर्ट विद स्टॉप लॉस 93, पैनिक स्लाइड अप टू 86 83। कैडिला लास्ट लोड 361.60 बिलो 356, ओनली पैनिक ऑन कार्ड अप टू 351 346। सेल की बात करेंगे 3150 लास्ट क्लोज है, यस लक्ष्मण रेखा 33 35 ऊपर जाए, दम लगा के ठोको, हनीमून इज ओवर सेल का। PNB की बात करूंगा 35 85 लास्ट क्लोज, यस अबव 35 बैंकिंग सेक्टर फार्म, अब आप देख लो फाइनेंस सेक्टर सारा बूम हो रहा है दो तीन दिन से, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बढ़िया चल रहा है, अगर मार्केट में तेजी है तो अभी थोड़ा सा रुको, हम क्लास में बताते हैं किस तरह से तेजी को रोक के फिर हम उसमें सेल करेंगे। डेफिनेटली PNB को नजर रखना, हम आपको बताएंगे राइट टाइम पे सेल करने का और फिर सेल करके चलेंगे और आप देखेंगे। तो अभी जो लग रहा है 33 का स्टॉप लॉस लगाओ, अपसाइड एनी टाइम 20-30% जंप ऑन कार्ड, विल सी 45-51 का भी लेवल आपको देख सकता है। ये मेरे रूल्स है कुछ ट्रेडिंग के इंट्रा ट्रेडिंग के, बॉस 1000 रुपये से ज़्यादा का कैश ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है, मेरे किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है, और पहला 5 मिनट का कैंडल का वेट करो, अगर हमने बाई बोला है पहला 5 मिनट के हाई के ऊपर ही बाई करो, पहला अगर सेल बोला है पहला 5 मिनट के लो के नीचे ही सेल करो, अदरवाइज हमारे कॉल ट्रिगर नहीं होते हैं, और 12:30 बजे के बाद भी हम लोग ट्रेड्स को इग्नोर करते हैं जो ये लेवल है, क्योंकि ये लेवल जो देता हूं मैं ये मॉर्निंग में हमारे एक्टिव होने की पूरी संभावना रहती है, अगर नहीं हुआ है तो 12:30 1 बजे के बाद इग्नोर करो ट्रेड्स को, और किसी में स्टॉप लॉस नहीं दिया 1.5 से 2% का मैक्स टू मैक्स बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस लेना भाई, मेरे को आप बार बार पिंग करके बच्चों की तरफ पिंग मत किया करो, क्लियर बोलता हूं 1.5 से 2% का SL स्ट्रिक्टली फॉलो करो। राइट नाउ हमारा एजुकेशन का क्लास है 6 जुलाई का, यू कैन ज्वाइन एडवांस एंड सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस फॉर 6 मंथ सपोर्ट। गाइस ये वो चीज है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को देना कोशिश करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग आओ और ज्वाइन करो, जरूरी है सीखो, ऑलरेडी 10 से 12 स्ट्रैटेजीज आपको YouTube में दी हुई है, उससे भी आप सीख सकते हो, और कुछ एडवांस सीखना चाहते हो, ऑपरेटर गेम सीखना चाहते हो, बड़ा प्लेयर्स किस तरह सोचता है उसके बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम, और अगर हमारी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चीज़ ये पहुँच सके। हमारा क्या रूल है, लर्न एंड देन अर्न, किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना, क्योंकि मैं बैठा हूँ आप लोगों को टिप्स देने के लिए, नो नीड टू वरी अबाउट इट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में डेफिनेटली दी जाएगी। ओके गाइस चलिए आशा करता हूँ आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, अब कल मिलता हूँ 9:15 पे शार्प, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और अपने ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।